हल्द्वानी शहर में भीषण गर्मी में पेयजल संकट लगातार गहराता जा रहा है। जल संस्थान के ओवरहेड टैंक से पानी भरने के लिए टैंकरों की लाइन लगी हुई है। एक तरफ प्रचंड गर्मी और दूसरी ओर पानी की कमी के चलते लोगों का जीना दूभर हो गया है। आए दिन जल संस्थान में लोग पहुंच रहे हैं, ऐसे हालातों में जल संस्थान के अधिकारी भी अब बगले झांकने लगे हैं। बता दें कि बारिश ना होने और गर्मी के बीच गौला का जल स्तर काफी नीचे गिर गया है। आलम यह है कि अब आधे शहर की आबादी को पेयजल टैंकरों की सहारा लेना पड़ रहा है। इस मामले में जिलाधिकारी वंदना सिंह का कहना है कि पूरे जिले में 32 टैंकर दौड़ रहे हैं। हल्द्वानी शहर के आवास विकास इंदिरानगर में पेयजल टैंकरों से लगातार सप्लाई किया जा रहा है और लोगों से अपील है कि पानी की बर्बादी ना करें और कार वाहन ना धोएं। जहां तक हो सके पानी को सोच समझ कर खर्च करें। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जल जीवन मिशन के तहत चल रहे कार्य भी जल्द पूर्ण कर लिए जाएंगे ताकि पानी की किल्लत का संपूर्ण समाधान हो सके। हल्द्वानी से दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। विभाग ने अभी लगभग 32 टैंकर ऐसे क्राइसिस एरियाज के लिए लगाए हैं, जिसमें विभागीय भी 11 टैंकर हैं और अन्य जो किराए के बेसिस पर लगाए जाते हैं वो भी। कुल मिलाकर विभाग ने 32 टैंकर हायर करे हैं जनपद के अलग अलग क्षेत्रों के लिए, जहां टैंकर के माध्यम से क्राइसिस एरियाज में सप्लाई करी जा रही है। पूरे जनपद में हमारे 102 हैबिटेशंस हैं जहां पर ज़्यादा क्राइसिस सिचुएशन रहती है। उसमें ग्रामीण क्षेत्र भी हैं और हल्द्वानी और उसके पेरीफेरी के नगरीय क्षेत्र भी हैं। तो ग्रामीण जो सराउंडिंग हल्द्वानी का एरिया है, वहाँ JJM के काफ़ी सारे काम ऑनगोइंग हैं, उनसे समाधान होगा।